सूफियत न सिर्फ ये कि इंसानियत का दर्स देता है बल्कि भारत के इस्लाम की रूह भी है। इससे कतई नज़र इसलिए भी नहीं किया जा सकता क्योंकि सूफियत तमाम मजाहिब के लिए सूदमंद है। सूफियत में सिर्फ मुसलमानों को ही आगे आने की जरूरत नहीं है बल्कि मुल्क की अक्सरियत को भी सूफियत को अपनाना चाहिए। दरअसल सूफियत का मतलब ही कौमी यकजहती, अख़वत व मोहब्बत और भाईचारगी है और मुल्क की एकता के लिए सूफियत ही कारगर और सूदमंद साबित हो सकता है। सदियों से मग़रिबी बंगाल के मदनापुर ज़िले में चांदसा बाबा का मज़ार हिंदुस्तान में राइज हज़ारों अकायद के माबैन यकजहती, हम आहंगी और मजहबी रवादारी का काम करता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ हाजिरी देने वाले अकीदतमंद किस ज़ात या बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। अकीदतमंद मज़ार के सामने सर झुकाते हैं और मुअज़्ज़ज़ सूफ़ी संत को अपना खराज पेश करते हैं और अपने खानदान की खैरियत के लिए दुआ करते हैं। सूफी चांदसा बाबा जियारत के हिंदू निगरान चमत सेतु ने कहा है, ये जगह तमाम लोगों के लिए है ख्वाह उनका किसी भी मजहब से ताल्लुक क्यों न हो। इस दरबार में मजहब की कोई कैद नहीं है, जो चाहे यहाँ हाजिरी दे सकता है। बाबा का मोहब्बत में मैं फंस गया, मैं निकालने नहीं सकता। जब जिंदा रहेगा मान नहीं होगा, सबको छोड़ देगा। बाबा लोग उनको नहीं छोड़ सकता। ये एक ऐसा मोहब्बत है, ये टूटने वाला नहीं है। जितना कड़ा हो जाता है, जितना दिन जाएगा कड़ा होगा, टूटने वाला नहीं। अब 43 साल आज तो हो गया मज़ार में, एक ही जगह में हम 43 साल हो गया। जिला मदनापुर के बालाउपुर मिर्जा मोहल्ला इलाके में वाका इस मुकद्दस मकाम पर हर साल अकीदतमंदों की भीड़ होती है। दरअसल ये दरगाह हजरत सईद शाह दियान राजी अल मारूफ चांद सबाबा रहमतुल्ला अलैह से मंसूब है। यह कदीम दरगाह 500 बरस पुरानी है। हजरत ने अपनी पूरी जिंदगी के दौरान इंसानियत की भलाई के लिए काम किया और मोहब्बत और भाईचारे को फरोग दिया। एक रवायत के मुताबिक इस दरगाह की एक खास बात यह है कि सूफी बुजुर्ग ने मिसवाक करने के दौरान लाठी फेंकी, जिससे यहां संदल का दरख्त उग गया, जो आज भी इस दरगाह के अहाते में हरा भरा है। चमत सेतुआ इज द खादिमदार ऑफ दिस मजार। व्हाट डू मीन बाय खादिमदार? खादिमदार इज ऑलमोस्ट लाइक पुरोहित इन आवर टेम्पल्स। सो ही मेंटेन्स द डेकोरम, मेंटेन्स एवरीथिंग हियर एंड वी आर द सपोर्टिंग पीपल, वी ऑलवेज स्टे बाय हिज साइड। हर रोज बिला मजहब मिल्लत अकीदतमंद इस दरगाह पर हाजिरी देते हैं। सूफी बुजुर्ग से मंसूब उर्स के दौरान यहाँ मुल्क के कोने कोने से अकीदतमंद आकर हाजिरी देते हैं। एक हिंदू अकीदतमंद ने कहा कि वो पहली बार यहाँ आई है और यहाँ आकर अच्छा लगता है। यहाँ शौहर की सलामती के लिए दुआ की और काफी उम्मीद के साथ आई हूँ। एक और अकीदतमंद ने कहा कि वो यहाँ अक्सर आते रहते हैं। वो यहाँ पहले अपने दोस्तों के साथ आया करते थे। तमाम मजाहिब के लोग यहाँ आते हैं, इस मज़ार पर हाजिरी देते हैं। यहाँ आकर अच्छा लगता है। यहाँ आने वाले हर शख्स को अच्छा लगेगा। ऐसा महसूस होता है कि हम लोग एक हैं और सभी बाबा का कृपया है, दुआ है
जो हम लोग एकजुट होके आते हैं इधर, यहाँ पर जो खादिम बोलते हैं, जो मुसलमान छोड़ के नहीं होता है, लेकिन खास करके ऑल इंडिया में कहीं है पे बोल के मुझे तो पता नहीं, लेकिन शायद वेस्ट बंगाल में मिडनापुर एक छोटा सिटी में ऐसा देखने को मिलता है जो कोई खादिमदार एक हिंदू है, तो बहुत बड़ी बात है हम लोगों का मुसलमान के लिए, जो इस तरह से कोई भी बाबा का मजार जो हिंदू चलाता है, हिंदू देखभाल करते हैं, हिंदू पुरोहित के वजह खादिम रहता है, ये बहुत अच्छी बात है। शायद इंसान को देख के और ये सब देख के समझना चाहिए जो देखो हम लोग कहाँ है और कहाँ कैसा हो रहा है, मिडनापुर में देख के आओ जो किस तरह से संप्रीति, किस तरह से समाज को लेके सब चल रहा है। हिंदुस्तान में ऐसे कई मजहबी मकामात पाए जाते हैं जहां बिला मजहब मिल्लत लोग हाजिरी देते हैं। दरअसल हिंदुस्तान में ऐसे सैकड़ों मकामात हैं जो न सिर्फ मजहबी टूरिज्म को फरोग देते हैं बल्कि अमन, मजहबी हम आहंगी, भाईचारे और रवादारी के पैगाम को भी आम करते हैं। सूफी बुजुर्गान दीन ने हिंदुस्तान में लोगों की समाजी, मजहबी और रूहानी जिंदगी पर जबरदस्त असर छोड़ा है। इन बरगुजीदा हसियतों की खानकाहें और आस्ताने आलिया से तमाम लोग आज भी फैज हासिल करते हैं। सूफी बुजुर्गान दीन की रवादारी और वसीउल कलमी का ये आलम था कि ऐसे लोगों की सख्त तनकीद करते थे जो जिद्दी और कटर मिजाज होते थे और जो मुख्तलिफ मजाहिब और जुबानों के मेल जोल में माने होते। ये सूफी बुजुर्ग ही थे जिन्होंने अपनी अंथक काविशों और बेलोस कुर्बानियों से हर जवाल पजीर कौम को राह रास्त पर लाने की कोशिश की और सही इस्लामी अकदार को रवा रखा। उन्होंने अमन, मोहब्बत, सलामती की तबलीग और अपने कौल व अमल से शर अंगेजी को दूर करने में भी कामयाबी हासिल की। वो लोग जो दरअसल हकीकी सूफिया कहलाए, उन्होंने मौशरे में अमन अमान के क्याम और भाईचारे के फरोग के लिए हम वक्त जद्दोजहद करके अपना दिल तक्वा और तहारत से आरास्ता किया। पीरी मोलतई पीरी मोज पीरी छुम दन अचंगाश, पीरी मोलतई पीरी मोज पीरी छुम दन अचंगाश। रहबर ही वालिद, रहबर ही वालिदा, रहबर ही दो आंखों की रोशनी।